एक्साइटमेंट अभी भी हो रही है, अंदर गर्मी थी तो जैकेट वैकेट तो निकाल दिया मैंने, तो पहले तो मैं चीज़ें दिखाना चालू करता हूँ। दिस इज माई वेलकम ड्रिंक, दिस इज सैनिटाइजर, ये वैनिटी किट है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। देन वी हैव, ओके बाय द वे ये मेरा वाटर बॉटल है, मेरा चार्जर है, हेडफोन्स है, यहाँ पे वेट वाइप है, इसकी मेरे को सख्त ज़रूरत है, पानी है, चार्जिंग पॉइंट है, और ये सीट आई एम गेसिंग कि पूरा तरह से फ्लैट होने वाला है। मैं वेट वाइप लगा लेता हूँ, उसके बाद मुँह दिखा के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कुछ लिमिटेड एडिशन बोला है इसको, आई मास्क, टूथब्रश प्रॉबेबली, नॉट श्योर, सॉक्स, टूथपेस्ट, लिप बाम, जापानीज मिंट एंड लिमिटेड एडिशन फेस मॉइस्चराइजर। इसके अलावा शायद एक पेन था जिसकी वाट लगा दी मैंने। आई मास्क और सॉक्स तो यूज़ हो जाएंगे, बाकी जापानीज मिंट का जो लिप बाम है होपफुली एम्स्टरडम में लगेगा क्योंकि वहाँ होल्ड बहुत पड़ने वाले हैं। अब मैं दिखा देता हूँ मेन्यू जो मैं भी शायद पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअल में। डच में लिखा है एंड वेलकम अबोर्ड योर फ्लाइट टू एम्स्टरडम, सफर मॉन्थ बिज, देखते हैं। सफर इज सर्व्ड आफ्टर डिपार्चर, मील ऑफ योर चॉइस इज सर्व्ड विद असॉर्टेड वॉर्म ब्रेड रोल्स। मेन कोर्स में वेज में दिख रहा है दाल तड़का, वेजिटेबल कोफ्ता विद पालक ग्रेवी एंड पुलाव राइस, डेजर्ट इज बटरस्कॉच पेस्ट्री। कल सुबह ब्रेकफास्ट में रहेगा सीजन्ड फ्रूट सैलड और ब्रेड बटर। उसके अलावा वेज में मेरे को दिख रहा है मशरूम फ्रिटाचा विद रैटाटुई, या मसाला डोसा भी है यार, काफ़ी अच्छा चॉइस है, आई थिंक बिजनेस क्लास में अच्छा चॉइस लगता है। इसके अलावा कॉकटेल्स है, मिक्स ड्रिंक्स है और अल्कोहलिक बेवरेजेस भी है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस तो ऑब्वियसली होंगे। अलग से वाइन का भी एक मेन्यू है, सस्टेनेबल वाइन कंपनीज, वाइट वाइन्स, रेड वाइन्स, देखेंगे, रेड वाइन्स होना तो अच्छी होती है, ट्राई कर लेंगे थोड़ी सी। ब्लैंकेट दी हुई है, पिलो भी दिया हुआ है, मैंने फिलहाल सीट रिक्लाइन की हुई है और यहाँ पे सारा सेटिंग दिया हुआ है। तो बेसिकली ये फ्लैट बेड बन जाएगा और फ्लैट बेड बनने के बाद आराम से सो जाएंगे क्योंकि 10 घंटे की फ़्लाइट है, तो सोते सोते जाना है वरना जेट लैग बहुत होता है। देखते हैं, अभी इसमें लिखा तो है कि डिनर वगैरह होगा, थोड़ी देर जाग लेते हैं, नींद तो मेरे को बहुत आ रही है।
गया मैं रोटी बिल निकाला और उस पर कपड़ा बिछा के गए हैं वो तो इनको हाफ देना सॉरी मैं लो लाइट में यह निकाल रहा हूँ। उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी बिजी बिकॉज मेरे को इंटरनेट की सख्त ज़रूरत थी, मेरे को SMS पैक्स वगैरह देखने थे, नेदरलैंड जाके मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जो अकोमोडेशन है वहाँ तक कैसे पहुँचना है, और बहुत सारी एंड मोमेंट पे चीज़ें थी जो मेरे को करनी थी। मैं आराम से बैठ के इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं फैमिली के साथ था, और बाकी जो मेरा फुल एंड फाइनल एक्सपीरियंस है वो मैं एक साथ एंड में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। अगेन सॉरी फॉर द लो लाइट बट लेट्स हैव इट। और हाँ, तो बेसिकली मैंने एयरटेल इंटरनेशनल रोमिंग चूज़ किया है, उसमें 799 के पैक में 100 मिनट्स आउटगोइंग प्लस इनकमिंग मिला के है इंडिया से प्लस लोकल। इंटरनेट पैक अभी तक मैंने नहीं डाला है, वहाँ जाके ऊबर बहुत महंगी है तो मैं ट्रेन या बस के ऑप्शंस देखूँगा, वहाँ मेरे पास दो सूटकेस है। एनीवेज अभी तो मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ, आपको डिनर दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया दिख रहा है खाना, तो ये खीर है, ग्रेप्स है, चीज़ है, बिस्किट है, कोफ्ते हैं, दाल चावल है, पालक है, पराठा है, एंड ये कुछ डेजर्ट लग रहा है, एंड इसके साथ मैंने जूस लिया है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। मेरा मन कर ही रहा था कुछ मीठा खाने का, एंड आई हैव चॉकलेट खाना, ओके था, बट ऐसा भी बोलता है कि टेस्ट बड्स थोड़े ख़राब हो जाते हो एल्टीट्यूड हाई होने पे। उस हिसाब से गुड जॉब, 8.5 घंटे की फ्लाइट और बची है, अब तो फुल फ्लैट बेड करके सोने का इरादा है मेरा। बस गुजरात क्रॉस कर लिया है, पाकिस्तान के साइड से निकलने वाला है, और अभी फ़िलहाल बेड बनाने की तैयारी है मेरी, ब्लैंकेट मैंने निकाल लिया है, इसको मैं आगे कर रहा हूँ। फुल्ली फ्लैट हो रहा है ये।